हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। हमने अपना 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर दिया है एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको 13.1 का 8th क्वेश्चन समझा दिया था एंड 9th क्वेश्चन आपका होमवर्क था। आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 13.2। हम एक्सरसाइज 13.2 शुरू करने जा रहे हैं एंड इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere. एक शेप है, कोन का शेप है, जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है, मतलब कि अटैच किया गया है उसे हेमिस्फीयर से। अब उसमें कहा है कि हेमिस्फीयर की रेडियस लिखा है विद बोथ द रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हेमिस्फीयर की रेडियस और कोन की रेडियस इक्वल है 1 सेंटीमीटर और दोनों की हाइट भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। और अब आपको निकालना है इसमें वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई जो लिखा है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, दैट मीन्स आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी। जब लिखा था इन टर्म्स ऑफ पाई, दैट मीन्स आंसर में पाई एज इट इज लिखेंगे हम, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लिखेंगे। वैसे आपको ये चीज हर क्वेश्चन में लिखी नहीं आएगी, कुछ रेयर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पाई की वैल्यू को कहा जाता है कि एज इट इज ही लिखना है। सो इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है कि आप जब भी वैल्यूज पुट करेंगे तो उसमें आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई आपको एज इट इज रखना है। सो जो हमें गिवन है कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड रेडियस ऑफ कोन, मतलब कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस इक्वल है, तो वो हमने अपने क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन कंडीशंस में लिख दिया है that height of the cone part and radius of the cone part, मतलब ये जो conical part है इसकी height की बात करें या इसकी radius की बात करें, दोनों ही क्या है 1 सेंटीमीटर है, equal है। और जो दूसरी condition आपको दे रखी थी वो ये थी कि cone की radius और hemisphere की radius भी equal है 1 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कोन की रेडियस जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है और इस हेमिस्फीयर की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि एक दूसरे से ये दोनों अटैच्ड है। सो गिवन कंडीशन में हमने हाइट बता दी और रेडियस बता दी 1 सेंटीमीटर, कोन के लिए भी एंड हाइट एंड रेडियस हेमिस्फीयर के लिए भी 1 सेंटीमीटर है। अब आपको निकालना है वॉल्यूम, इस पूरे ही शेप का वॉल्यूम निकालना है आपको। तो आप देख सकते हैं कोन भी है, कोन के साथ हेमिस्फीयर भी है, तो वॉल्यूम कोन का भी निकलेगा हेमिस्फीयर का भी निकलेगा एंड दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो भी कुछ इसी तरीके का बनता है, दैट वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट। तो कोनिकल पार्ट का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो है 1/3πr² h और हेमिस्फीयर पार्ट का जो फॉर्मूला बनता है वो है 2/3πr³। तो ये दोनों की फॉर्मूले मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमको कहा था इन टर्म्स ऑफ पाई, क्वेश्चन में लिखा था क्लियरली, दैट मीन्स हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। तो हम फॉर्मूले में रेडियस की वैल्यू रखते हैं 1, हाइट की वैल्यू रखते हैं 1, यहाँ पर भी हम रेडियस की वैल्यू 1 रखते, बट हम पाई की वैल्यू 22/7 मेंशन नहीं करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 1 भी 1 ही होगा, यहाँ पर भी 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो ये जो टर्म्स है वो एज इट इज आ जाएगी, 1/3π एंड 2/3π, ये एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई आप किसी से भी करोगे आपको एज इट इज टर्म मिल जाएगी। आप देख सकते हैं दोनों का ही जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, दैट मीन्स एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 3 हमने नीचे डिनोमिनेटर में एक बार लिखा, 1π + 2π, आंसर आया हमारा 3π/3 और हमने नेक्स्ट स्टेप में 3 3 को कैंसिल कर दिया। तो जो पूरे शेप का वॉल्यूम आया है वो आया है पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए आपको क्वेश्चन में कहा गया था इन टर्म्स ऑफ पाई, दैट मीन्स आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रखनी, आपका आंसर ही पाई आने वाला है। ये हमने सॉल्व करके देख लिया है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा क्या निकला है, पाई, और जो यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लगाया मैंने, क्योंकि वॉल्यूम निकाला हमने। मैंने आपको 13.1 में समझाया था कि हर यूनिट में हम स्क्वायर इसलिए लगा रहे क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे। जब भी एरिया ऑफ समथिंग, एरिया ऑफ एनी शेप पूछा जाए तो यूनिट में आपको स्क्वायर लगाना है। जब भी वॉल्यूम ऑफ एनी शेप आपसे पूछा जाए तब आपको यूनिट में क्यूब लगाना है। सो यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ।
अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।